नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ MMR टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आपके लैपटॉप के डेस्कटॉप के हार्ड ड्राइव को USB पेन ड्राइव की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं लेके आया हूं आपके लिए QZ ताइवानी कंपनी का ज़बरदस्त USB टू SATA अडाप्टर। इसमें आप लैपटॉप डेस्कटॉप के जो आपके पास हार्ड डिस्क पड़ी हुई है बहुत दिनों से, उसका इस्तेमाल पेन ड्राइव की तरह कर सकते हो, एक्सटर्नल ड्राइव की तरह कर सकते हो। ये आपके लिए सुविधाजनक रहेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। ये QZ कंपनी का USB टू SATA अडाप्टर है। इसमें आपको एक QZ का USB 3.1 टू SATA अडाप्टर मिल जाए। इसकी प्राइसिंग दोस्तों अमेज़ॉन पे अभी करंटली 1485 चल रही है, हालांकि यहाँ पे 1590 रुपये लिखा है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। मैं समझता हूँ दोस्तों, एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप कोई भी हार्ड ड्राइव हो, 2.5 जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क है या फिर 3.5 जो डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है, उसे आसानी से यूज में ला सकते हैं। और ये सारे IT प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है। आप आराम से एक्सटर्नली किसी लैपटॉप से, डेस्कटॉप से डेटा कॉपी करना है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर मशीन फॉर्मेट करना चाहते हो, बट उसके पहले आपको डेटा बैकअप करना है, उस केस में भी ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ओपन करते हैं। इस तरीके से बॉक्स की पैकिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे आपको ये कन्वर्टर दिखाई दे रहा है। ये आपको USB 3.0 और 3.0 टू USB B की केबल मिल जाती है। केबल की लेंथ आई थिंक, मुझे लगता है ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होगी। और दूसरी चीज़ हम लोगों को मिलती है यहाँ पे, ये अडाप्टर, इसको निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना है और ये USB B पोर्ट, यहाँ पे आप डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव लगा रहे हो तो आपको एडिशनल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको बॉक्स के अंदर ये अडाप्टर भी मिल जाता है, पावर अडाप्टर, और साथ ही में आपको मैनुअल्स मिल जाते हैं QZ की तरफ से कैसे यूज़ करना है। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको मैनुअल ज़रूर पढ़ने चाहिए। मैं इस बात का हमेशा समर्थक रहा हूँ कि मैनुअल ज़रूर पढ़े, चाहे आप छोटी चीज़ लो या बड़ी चीज़ हो, मैनुअल पढ़ने से उस चीज़ की पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाती है। तो मैनुअल पढ़ते रहिए दोस्तों, मैनुअल से ही आपको पता चलती है उस चीज़ कि फंक्शनैलिटी कैसी है, कैसे काम करती है। उसमें अगर कोई कोई फीचर्स है जो आपको पता नहीं है, सो वो भी जानकारी आपको मैनुअल पढ़ के ही मिलेगी। तो मैनुअल ज़रूर पढ़िए। एज ऑफ नाउ मैं इसको साइड में रखता हूँ। ये अडाप्टर आपको साथ में मिल जाता है, 12 वैट का है, 2 एम्पियर का, 24 वोल्ट। ये सिर्फ आपको जब आप डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हो उसी टाइम पे लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि डेस्कटॉप की जो हार्ड ड्राइव है वो 3.5 होती है और उसकी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एक पावर अडाप्टर आपको मिल गया, उसके बाद QZ ED Q1 नाम का छोटा सा अडाप्टर जो आपको इसमें मिलता है, और तीसरी चीज़ है
USB 3.0 टू USB-B। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव है जो कि 80GB का है और SATA पोर्ट है। तो ये जो अडाप्टर है आपको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करना है, मैं आपको शो करता हूँ। इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए ये अडाप्टर बैठ चुका है USB और आपको आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को कनेक्ट कर देना है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।